हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है और काफ़ी हेल्पफुल है, और इस वीडियो को अगर आप नहीं देखोगे तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी एक अच्छे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ कि वह आखिर में क्यों चैनल्स हैक होती है, क्या वजह है उसके पीछे, और हैकर्स चैनल को हैक करने के बाद क्या करते हैं। देखो यार, अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे YouTube चैनल्स हैक हुए हैं। मैं अगर नाम लूँ तो देखिए, ज्ञानी 2.0 ही हैक हुआ था, तो उनके चैनल को आने में 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने तो मतलब ऑलमोस्ट आज छोड़ ही दिया था कि उनका चैनल वापस आएगा। और कितने ऐसे चैनल है कि जो हैक हो गए, उनका पूरा डेटा को डिलीट करके उनके चैनल आज तक वापस नहीं आए हैं। तो इस चीज़ की सर्टी नहीं है कि अगर आपका चैनल हैक हो जाएगा तो वो वापस आएगा ही। और आपको तो पता है यार कि कितनी मेहनत लगती है हमें एक चैनल को ग्रो करने में। जैसे घर पे एक बेबी होता है तो उसको कैसे मतलब ध्यान रख के उसे बड़ा करते हैं, तो उसी तरह से हम लोगों को चैनल का भी ध्यान रखना होता है। तो ये वीडियो भले ही आपका 10 मिनट 15 मिनट का हो जाए, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हैकिंग होता कैसे है, क्या क्या वजह है, हैकर्स हैक क्यों करते हैं, हैक करने के बाद चैनल का क्या करते हैं, और दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। मुझे काफ़ी सारे मेल्स भी आए कि भैया मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, लेकिन मेरा अभी चैनल हैक हो गया है, कि मैं क्या करूं, बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने बहुत मेहनत से ग्रो किया। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेज और मुझे मेल आते रहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, तो मुझे आए दिन ऐसे हैकर्स के मेल भी आते रहते हैं। अगर हो सके तो मैं यहाँ पे एक दो का आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि प्राइवेसी पर्पज से नहीं दिखाना ही सही रहता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो कर दो तो आप समझ जाए कि आपके भाई ने आपके लिए थोड़ी बहुत रिस्क उठा ली है। तो यार चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मुझे भी मेल्स आते रहते हैं जिसमें कि हैकिंग के लिए वो कुछ कुछ भेजते रहते हैं। देखिए, हैकिंग 2-3 तरह से होती है। सबसे ज़्यादा हैक उनका चैनल होता है जो कि यूज़ करते हैं फ़ोन, जो लैपटॉप से अपने चैनल को हैंडल नहीं करते, वो फ़ोन से करते हैं, उनके चैनल ज़्यादा हैक होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा हैक होता है चैनल स्पॉन्सरशिप से, मतलब स्पॉन्सरशिप रियल वाले नहीं, फेक वाले, जो फेक स्पॉन्सरशिप आती है उससे। तीसरा हैकिंग होता है यूट्यूब चैनल कहीं वो एजेंट बनने की कोशिश करते हैं, वो यूट्यूब एजेंट बनकर आपके पास मेल करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका चैनल अब बंद होने वाला, अगर आप चाहते हो अपने चैनल को बचाना या फिर कुछ इसी तरह का, तो इस फॉर्म में आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करके सेंड कर दीजिए, यूट्यूब ने आपसे मांगा, इस तरह का होता है। तो 3 तरह से ये हैकिंग होता है। देखिए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, और एक और है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पे हम लोग आते हैं। तो पहला आपको जैसे मैंने बताया कि फ़ोन से होता है, तो फ़ोन से एक्चुअल में होता कैसे, तो फ़ोन के अगर बारे में हम लोग बात करें तो देखिए क्या होता है कि जो भी फ़ोन हम लोग, मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, आपके पास फ़ोन है 2017 का, और वो मतलब कोई अच्छा ब्रांडेड फ़ोन नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी जो अपडेट आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 7-8 हज़ार का फ़ोन है, तो उसके उसमें स्टार्टिंग डेज में आते हैं अपडेट, जैसे आपने जब फ़ोन लिया तो 1 साल तक अपडेट आएगा, उसके बाद अपडेट नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी लैग करती है, जब लैग करता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हैकर्स आपके फ़ोन पर अटैक करके आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो इस तरह से होती है, और काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है मेरे भाई, लेकिन जब भी आपका फ़ोन अपडेट हो तो वो आपको दिखाएगा कि अपडेट योर फ़ोन, और उसमें लिखा रहेगा सिक्योरिटी पैच के लिए भी रहेगा कि इम्प्रूव सिक्योरिटी पैच, ऐसा करके एक आएगा आपको, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो वो उसी चीज़ का होता है, लेकिन जनरली जब फ़ोन पुराने हो जाते हैं तो उसमें अपडेट्स आने बंद हो जाते हैं। तो ये पहला रीज़न था हैक होने का। अब दूसरे हम लोग आते हैं स्पॉन्सरशिप पर। स्पॉन्सरशिप पर क्या होता है कि मुझे मेल आए थे यार कि आपको मैं $1,000 दे दूंगा, आपको मैं $5,000 दे दूंगा। $5,000 मतलब आप समझ जाइए, तो 3.5 लाख रुपए देने की बात कर रहा था मुझे एक स्पॉन्सरशिप का। तो उस तरह के मेल आते हैं, आपको बोलेंगे कि ये है मेरा वेबसाइट, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से एक VPN है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, मैं आपको $5,000 दूंगा। मतलब 3.5 लाख रुपये कहाँ से, कोई जायज ही नहीं है यार। तो इसको मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से हेल्प करेगा इस चीज़ को समझना, ज़्यादा मतलब लालच बुरी वाला ना हो जाए, तो ये चीज़ मैं आपको भी समझाऊंगा। तो उस तरह के मेल आते, बोलते कि मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, और फिर आप देखिएगा कि आपका चैनल का पूरा पूरा लॉगिन ही ख़त्म हो चुका है, आपका चैनल हैक हो चुका है। तो इस तरह से स्पॉन्सर देते हैं। तीसरा आपको मैंने बता ही दिया है कि YouTube टीम कहीं एजेंट एम्प्लॉय बनने की बहुत मतलब कि साजिश रचेंगे आपके सामने, आपको बोलेंगे कि YouTube के ओर से आपको ये मेल भेजा जा रहा है, आप ये कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब दे दीजिए,
तो इस तरह से भी चैनल को हैक कर लेते हैं, लेकिन ये वाला तो बहुत पुराना हो गया है हैकिंग करने का, तो ये चीज़ ज़्यादा कारगर नहीं है अब। मतलब यूट्यूब के मेल अब आते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ ये अलग है ये अलग है, लेकिन क्या है ना जो स्पॉन्सरशिप वाले मेल आते हैं उसमें पहले आता था जीमेल अकाउंट से, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि एक अपना आईडी तरह का बना दिया जो कि आपको बहुत प्रोफेशनल लगेगा, जब आप देखोगे तो आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा कि ये फेक मेल है या फिर रियल स्पॉन्सरशिप है, आप समझ रहे हो ना। तो उस तरह से आपको वो भेजेंगे, और क्या करते हैं वो कि छोटे मोटे वेबसाइट भी बना देते हैं वो अपना, जिसपे कि अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो रियल वेबसाइट है, चलो इससे डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर पर भी वो कुछ एप्लीकेशन बनाकर अपलोड कर देते हैं, प्ले स्टोर पर भी डाल देते हैं, तो आप जाओगे जब प्ले स्टोर पर तो आपको लगेगा कि अरे ये तो रियल है, तो ये तो रियल है चलिए डाउनलोड करते हैं, फिर आप जाओगे तो फिर आपका चैनल हैक हो जाएगा। ये तरीका एक आजमाते हैं हैकर लोग आपके चैनल को हैक करने के लिए। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, मतलब एक तो पहला आपको मैंने बताया स्पॉन्सरशिप, दूसरा मैंने बताया कि पुराना फ़ोन है तो उसमें सिक्योरिटी लैग करती है तो इस वजह से आपके चैनल को हैक कर लेते हैं वो लोग। तीसरा अगर हम आपको बात करें तो वो आपको भी मैंने बता दिया कि वो यूट्यूब एम्प्लॉई बनकर आपको लुभाने की कोशिश करते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। चौथा मैं आपको बताता हूँ, देखिए चौथा ये मतलब बहुत कॉमन है, क्या करते हो आप लोग, अभी तो साइबर कैफ़े में काफ़ी लोग नहीं जाते लेकिन कुछ कुछ लोग जाते हैं। एक जो मुझे मिला है वो बताया था कि साइबर कैफ़े में उन्होंने लॉगिन कर दिया था, वहाँ से उनका हैक हो गया, तो वो तो ईजिली आपने कुकीज ही वहाँ छोड़ दी है अपने वेबसाइट की जहाँ पे आपने लॉगिन किया, तो वहाँ से कुकीज से आराम से हैक हो जाता है, हैकर्स के लिए बड़ी बात नहीं अगर आपके कुकीज़ उनके पास चली गई है तो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कहीं भी अगर आप लॉगिन करते हो तो कुकीज़ क्लियर करके आइए, पूरा डेटा क्लियर करके आइए। कितने लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्त के फ़ोन में लॉगिन कर देते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि यार यार दोस्त ने धोखा दे दिया, लेकिन देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका दोस्त गलत है या फिर आपके दोस्त ने आपका चैनल हैक किया, लेकिन हो सकता है ना कि उसके दोस्त के तुम आपके जो फ़ोन है वो किसी बुरे इंसान के हाथ में चला जाए, वो आपके चैनल को हैक कर ले। तीसरी चीज़ आप इसी में समझिएगा, फ़ोन वाले में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो फ़ोन वाले में क्या करते हो कि आप फ़ोन अपना जब सेल करते हो तो फ़ोन सेल कर देते हो ऐसे ही, लेकिन ऐसे कभी मत किया कीजिए, बस अपना डेटा ट्रांसफ़र करके फ़ोन मत सेल किया कीजिए, फैक्ट्री रीसेट करके आपको पूरा पूरा फ़ोन को इरेज कर देना है डेटा को, उसके बाद आप दीजिए। अगर आप एक यूट्यूबर है तो ऐसे भी अगर पर्सनल डेटा भी है तो कुछ कुछ डेटा रह जाती है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, नहीं तो आपके चैनल को इस तरह से भी हैक किया जा सकता है। देखिए यार बहुत मेहनत लगती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से आप बचिए। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसके वजह से आपके चैनल्स को हैक किया जा सकता है। ऐसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे एक मेल आया था, उनका चैनल पे सब्सक्राइबर था 12,200, उनको मेल आया कि आपको मैं दे दूंगा, मेरा एक वीपीएन कंपनी है उसको आप प्रमोट कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा $600 दे दूंगा आप। तो अब सोचिए उन पे आते हैं 2,000 व्यूज पर वीडियो या फिर 1,500, मैंने उनका चैनल देखा जो हैक हो चुका है, उन पे 1,500-2,000 व्यूज आते हैं, $600 देने की बात कर रहा है वो, तो मतलब 70 का भी अगर आप डॉलर लोगे तो आप सोचो ना 42,000 अगर दे रहा है, तो उन्होंने लालच किया इस वजह से उनके साथ ये चीज़ हुआ है। तो ये चीज़ आप मत कीजिएगा, आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए यार कि ये मतलब इतने पैसे मुझे नहीं मिल सकते, इतने व्यूज़ पे इतने पैसे मिलते ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा। अब आप सोचो कि नहीं यार बचे कैसे फिर, अब मान लीजिए कि मेरा रियल ही किसी का हो, कोई रियल में ही $600 देने के लिए राजी हो जाए, नया कंपनी है उनको नहीं पता है कि कितने पैसे देने चाहिए और वो सच में देने लग जाए, मतलब सच में उनको देना हो और मेरा तब तो फिर लॉस लग जाएगा, आप यही समझोगे। तो देखिए आप क्या कीजिए, घर में कोई एक फ़ोन हो जिसमें वैसा कोई डेटा ना हो, जिसमें आपने अपना यूट्यूब चैनल लॉग इन नहीं किया है, उसमें आप जाकर देखिए उनके वेबसाइट पे उनके एप्लीकेशन पे, उस तरह से पहले आप क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर आप देखिए कि आगे डील करनी है नहीं करनी है। थोड़ा मेहनत लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप ये चीज़ करके देखिए तो इस तरह से हो पाएगा। और एक मैं तरीका बताता हूँ इससे बचने के लिए, कि जब भी वो आपको बोले कि मेरा ये प्रमोट कर दीजिए, तो आप बोलिए कि अच्छा ठीक है, तो सैम्पल वीडियो दीजिए जिसमें कि आपके अदर यूट्यूबर्स भी प्रमोट किए हैं आपके वेबसाइट को या फिर आपके एप्लीकेशन को या फिर आपके VPN को। तो ये चीज़ आप मांगिएगा कि आप सैंपल एक वीडियो दीजिए, सैंपल वीडियो दीजिए आप मुझे, तो मैं देखूँ कि कैसा बनाया है उसने या फिर आपने पहले भी कहीं बनवाया है। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, ऐसा आप क्वेश्चन रेज कर देना, डरना नहीं इस चीज़ के लिए, या फिर आप ये मत सोचना कि डील निकल जाएगा, या डील निकल जाए ठीक है यूट्यूब चैनल तो हैक नहीं होगा ना, तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं हम उस टॉपिक के बारे में कि अगर आपका चैनल हैक हो जाता है, भगवान ना करे यार, लेकिन अगर हैक हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपका एक ही इंसान मदद कर सकता है, वो भी उसके लिए कुछ कुछ एलिजिबिलिटी है, वो चीज़ें आपके पास होंगी तभी आपकी चैनल रिकवर हो पाएगी, ये भी चांसेस पूरे पूरे नहीं है, लेकिन चलिए मतलब हो ही जाएगी, ये अप्रोच आप रखिएगा। अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो जो भी मेल आपके पास आया था
वो सारे मेल का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जब आपका ऑनरशिप जाएगा यूट्यूब का, जब वो हैकर हैक करेगा, उस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यूट्यूब को सेंड कीजिएगा, यूट्यूब से बताइएगा जो भी आपके साथ हुआ है, और ज़रूर से आप अच्छे से उन स्क्रीनशॉट को रखिएगा, उस ईमेल आईडी को भी अच्छे से रखिएगा आप अपने पास, कि आप प्रूफ दिखा सको, आप यूट्यूब से जब बात कर रहे होगे तब आप दिखा सको। तो इसी तरह से आपके चैनल को आप रिकवर कर सकते हो। देखो यार, 1.5-2 महीने लग जाएंगे, उतने में आप भी समझ सकते हो क्या दिन क्या रात आपके कैसे बीतेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि चैनल हैक नहीं हो, ये सेकेंड कैटेगरी का ऑप्शन आए ही ना आपके ज़िंदगी में, मैं तो यही दुआ करूँगा, मैं यही प्रे करूँगा। तो फर्स्ट वाला जो कैटेगरी में मैंने आपको हर एक चीज़ बताया, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, और उसी चीज़ को ध्यान में रख के आप अपने चैनल को प्रमोट अगर कोई करवाने आता है आपके चैनल के थ्रू, तो आप ध्यान रख के ही स्पॉन्सरशिप लीजिए, ध्यान रख के ही आप अच्छे फ़ोन्स यूज़ किया कीजिए। मैं भी पहले मतलब कि मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन से कंपनी का फ़ोन यूज़ करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब इस चीज़ के बारे में, तो मैंने वो फ़ोन मतलब छोड़ दिया और अच्छा फ़ोन यूज़ करने लगा, क्योंकि यार इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दूंगा मैं, तो इससे मेरी चैनल तो बच जाएगी ना। तो मैं खुद ही अभी एक अच्छा फ़ोन यूज़ करने लगा इसी चक्कर में। सबसे सेफ़ तो आईफोन होते हैं इस मामले में, उसके बाद ही एंड्रॉयड होती है। तो ये भी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा हो जाए तो एक अच्छा फ़ोन आप लोग ले लीजिएगा, उसके पहले थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, आप लॉगिन कीजिएगा, वीडियो अपलोड कीजिएगा, फिर लॉगआउट करके कुकीज़ क्लियर कर दीजिएगा, हर बार यही कीजिएगा क्रोम पे। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरह से कि आप अपने यूट्यूब चैनल को बचा सकते हो हैकर से, हैक होने से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो यार, तो एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इस तरह की कंटेंट ढूंढ के, आपको अवेयर करके आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाने में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा अगर आप कोई अलग टॉपिक पे चाहते हो वीडियो। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके चैनल को प्रमोट कर सकूँ, तो ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए, यहाँ पे अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आपके यूट्यूब चैनल के लिंक यहाँ पे स्वाइप अप स्टोरी में डालकर उसे प्रमोट कर दिया करूँगा, या फिर यूट्यूब का भी लिंक प्रमोट कर दिया करूँगा। तो यहाँ जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर आप लोग कराइए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।